हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जनीस आज आप लोगों को मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। दोस्तों, तो आज के डेट में प्री मैच्योर इजुकुलेशन, जिसको शीघ्र पतन कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्मेटोरिया, नाइटफॉल प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है। और तो दोस्तों, आज हम उसके बारे में, एक ऋग्वेद कंपनी की मेडिसिन है R41, वो बहुत ही बेटर मेडिसिन है दोस्तों। वो प्री मैच्योर इजुकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्मेटोरिया, ये सब में बहुत ही बेटर काम करती है। कहने का मतलब है कि ऑल सेक्सुअल, किसी भी टाइप के सेक्सुअल प्रॉब्लम में R41 मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। अब दोस्तों, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है वो आप लोगों को बताएंगे, और दोस्तों R41 का एक पिक्चर भी आप लोगों को लगा देंगे इस पर। तो दोस्तों बता रहे हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन डाली हुई। तो फर्स्टली जो मेडिसिन है वो दोस्तों बहुत ही बेटर मेडिसिन है, एसिड फॉस। तो एसिड फॉस इनपोटेंसी केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है एसिड फॉस। दूसरी मेडिसिन डली हुई है एग्नस कैक्टस। तो जिन लोगों को इच्छा ही नहीं हो, कमजोरी हो, उसे एग्नस कैक्टस बहुत ही बेटर काम करती है। इसमें अब चाइना ऑफिशियल्स मेडिसिन डली हुई है, जो कमजोरी के केस में बहुत ही बेटर काम करते हैं। जो लोग कमज़ोर हैं उसमें तो चाइना मेडिसिन भी डली हुई है दोस्तों। कोनियम मेक भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा है सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए है। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सैल रहते हैं, गुस्सा इस चीज़ से रहता है, सेक्स का इच्छा वैसा नहीं हो, तो उससे गुस्सा जो होता है, गुस्सा कहने का मतलब है, कोनियम मैक का पेशेंट जो होता है बहुत ही गुस्सैल होता है, तो इसमें वही मेडिसिन डली हुई है। और इम्पोटेंसी के केस में भी कोनियम मैक बहुत ही बेटर काम करती है। इसमें अगली मेडिसिन है दोस्तों दामियाना क्यू। तो दामियाना क्यू जेनाइटल पोर्शन को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, बहुत ही बेटर मेडिसिन है दामियाना क्यू। सीपिया, तो ये भी मेडिसिन इसमें डली हुई है दोस्तों, जिसका इच्छा ही न के बराबर हो और तुरंत थक जाने वाला प्रॉब्लम हो, तो सीपिया मेडिसिन बहुत ही बेटर मेडिसिन है इस केस में। अगली मेडिसिन है टेस्टिस, ये भी मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है टेस्टोरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि R41 मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है प्री मैच्योर इजुकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्मेटोरिया, और भी किसी टाइप के सेक्सुअल वीकनेस में R41 मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है, माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, इसे लेना कैसे है वो भी आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसे लेना है सुबह, दोपहर, शाम। जिन लोगों के हल्की प्रॉब्लम कम हो तो सुबह शाम भी ले सकते हैं। और इसे लेना है खाने के आधा घंटा पहले, 15 बूंद गुनगुने पानी में सुबह, और 15 बूंद दोपहर खाने के पहले, और 15 बूंद शाम। ऐसे जिन लोगों को ऐसा कम का प्रॉब्लम है तो सुबह शाम भी ले सकते हैं, और बहुत ही बेटर मेडिसिन है दोस्तों R41। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए।